ये हरियाणा के लाल हैं और पुशअप मारते हुए राम मंदिर जा रहे हैं, और देसी टार्जन इसी तरीके से अयोध्या राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे मित्रों। और 50,000 सपाटों का संकल्प लिया, गौमूत्र का पान करते हैं सीधे, गोबर शरीर में लेपन करके नहाते हैं। क्या भोजन किया है सुबह? सुबह इन्होंने सिर्फ दूध पिया है और दूध और गाय का मूत्र पिया है। 50,000 पुशअप मारते हुए मित्रों अयोध्या श्री राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। देखिए देसी टार्जन जो है ऐसे ही अयोध्या पहुंचेंगे। हरियाणा के देसी पहलवान देसी टार्जन 50,000 पुशअप यानी उठक बैठक मारकर अयोध्या राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जा रहे हैं मित्रों। इस वक्त पूरी अयोध्या सज रही है और तमाम लोग जो है अयोध्या पहुंच रहे हैं, लेकिन हरियाणा से चलकर लगभग 50,000 दंड बैठक मारते हुए राम मंदिर का दर्शन करने के लिए हरियाणा के लाल पहलवान संजय जो गौ भक्त है वो देसी टार्जन के नाम से जाने जाते हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या में इनका भव्य स्वागत हुआ है। 50,000 पुशअप मारकर ये अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। देसी टार्जन ने हल्ला बोल दिया है प्रभु राम की पावन नगरी अयोध्या से। कितना पुशअप मारकर अयोध्या पहुंचेंगे राम मंदिर? अलवर से अयोध्या का जो है श्री राम दर्शन सपाटे यात्रा का नाम दिया गया है और 50,000 सपाटों का संकल्प लिया है। हाँ। और कल ही इन्होंने 12,000 सपाटे लगा दिए हैं। 5,000 सपाटे सुबह अभ्यास में करते हैं, इतनी इनकी खुराक है। हाँ। तभी इनकी बॉडी गर्म होती है। हाँ। और पीछे जब से आप खड़े हो कवरेज करने 40 मिनट से लगातार सपाटे लगाए जा रहे हैं। हाँ। इतनी सर्दी है। हाँ। कैमरामैन से बोलेंगे लगातार डिग्री इस वक्त टेम्परेचर है, लेकिन फिर भी 7 डिग्री टेम्परेचर में ये अपने शरीर पर इतना पुशअप मार चुके अपने शरीर से कि इनकी स्थिति देखिए, कि इनके शरीर में ठंडी में भी पसीना आ गया है। मित्रों राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं जो है ये हरियाणा से निकले हैं और ये अयोध्या पहुंचे हैं। इस बीच के अंदर ये 50,000 पुशअप मारेंगे। बिल्कुल। ये क्या खाए हैं? ये रवि भाई जैसा आप भी जानते हो इनका वायरल वीडियो है, गौमूत्र का पान करते हैं सीधे, गोबर शरीर में लेपन करके नहाते हैं, शुद्ध शाकाहारी हैं। हाँ। अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं। हाँ। 18 सालों से अनाज का एक दाना इन्होंने ग्रहण नहीं करा है। हाँ। दुनिया के बड़े से बड़े WWE के सितारों को रोमन रेंस, खली, बटिस्टा, केन, विलियमसन, हाँ। खली सबको इन्होंने ओपन चैलेंज दिया है। और बॉलीवुड के जो नकली सकली डोले बना के सिक्स पैक करोड़ों रुपए छापते हैं ना फिल्मों में, आमिर खान, सलमान खान, रणबीर कपूर, कोई भी है, किसी के माई के लाल ने अगर दूध पिलाया है तो आ जाए और अखंड ब्रह्मचारी शाकाहारी देसी टार्जन की स्टेमिना का जो है बराबरी का अगर करके दिखा देगा। हाँ। तो जो है जितना मुंह मांगा इनाम है उसको दिया जाएगा अयोध्या की धरती से। राम मंदिर कोई उठकर आ रहा है, कोई बैठकर आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, लेकिन हरियाणा के देसी टार्जन उठक बैठक करके और इसके बाद पुशअप मारकर जो है राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। मित्रों 50,000 पुशअप मारकर ये अयोध्या राम मंदिर का दर्शन करेंगे और ये पिछले 25 मिनट से सिर्फ और सिर्फ इस तरीके का दंड बैठक कर रहे हैं और यहाँ पर खड़े लोग इनको देखकर आश्चर्य हो जा रहे हैं कि आखिर ये युवा जो हरियाणा का लाल है ये 25 मिनट से कैसे पुशअप मार रहा है। इनके शरीर में इस वक्त पसीना है, ये सिर्फ और सिर्फ मित्रों गौमूत्र और गौमूत्र का पान करते हैं, ये भोजन भी नहीं करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और ब्रह्मचर्य की ताकत आप देख लीजिए कि ये बिना रुके पिछले 25 से 30 मिनट तक जो है सिर्फ और सिर्फ दंड बैठक मारे जा रहे हैं। एक घंटे हो गया भैया, एक घंटे हो गया। कितनी देर से पुशअप मार रहे हैं? एक घंटे से ऐसे ही। सुशील भाई कितनी देर से पुशअप मार रहे हैं? एक घंटा तो अभी यहाँ हो गया और एक घंटा लगभग घर पे जो इनकी खुराक है बता रहे थे अभी आशुतोष जी, एक घंटे घर पे मार के आए हमारे। तो देख सकते हैं मित्रों ये ब्रह्मचर्य की ही देन है कि ये राम मंदिर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप पहलवान जी, कहाँ जा रहे हैं? अभी वो बाइट अच्छा, नहीं देंगे। अच्छा बोलेंगे नहीं? अभी वो बाइट तभी देंगे कि जब उनके एक्सरसाइज कंप्लीट होगा। अभी एक्सरसाइज नहीं कंप्लीट हुआ? अभी नहीं। अरे थक जाएंगे महाराज। भाई साहब ये इनकी इतनी खुराक भी नहीं है। हाँ। अभी तो इन्होंने जो है खुराक भी नहीं, अभी तो नापी है इन्होंने मुट्ठी भर जमी। हाँ। आगे सारा आसमान बाकी है। एक घंटा से ये पुशअप मार रहे हैं। कैमरा मैन से बोलिए गया 7 डिग्री टेम्परेचर सर्दी के मौसम में कैसे पसीना देखिए, ये ब्रह्मचर्य का पसीना है। रवि भाई बोलते हैं जो पसीने से नहाते हैं ना वो इतिहास बदलते हैं। हाँ। ये आप देख सकते हैं पानी से नहाने वाले लिबास बदलते हैं और पसीना से नहाने वाले इतिहास बदलते हैं और ये इतिहास नहीं भूगोल बदल रहे हैं इस वक्त, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धरती अयोध्या में ये पुशअप मारते हुए हरियाणा से पहुंच चुके हैं और इनके शरीर की गर्मी और तापमान पसीना ये बता रहा है कि अयोध्या का मौसम बदलने वाला है। रवि भाई
प्रभु राम की शरीर देखिए इनका, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये शरीर देखिए, 50,000 पुष्प मारकर ये अयोध्या राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मचर्य की आग निकल रही है, ये देखिए, ये देखिए, पसीना निकल रहा है, ये देखिए, इतना जो है आग निकल रहा है दोस्तों। तो अभी तो जो है इन्होंने जस्ट शुरुआत करी है, अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा नहीं, अभी भाग जाएंगे, अभी तो बहुत चीजें करेंगे, स्टंट भी करेंगे। हाँ, रवि भाई, हाँ, अभी मैं आपको उनको बाइट भी दिलाऊंगा, अभी तो जस्ट आप उनको जो है सिर्फ स्टंट और ये चीजें दिखाते रहिए। इस वक्त पूरे रोड पर जो है वो देखिए भरकम मच गया। देखिए ये हरियाणा के लाल है और पुष्प मारते हुए राम मंदिर जा रहे हैं, देख सकते हैं टार्जन है, ये हरियाणा से निकले हैं और इनका संकल्प है कि राम मंदिर दर्शन ये इसी तरीके से दर्शन करते हुए जाएंगे। गौ भक्त संजय पहलवान जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, सिर्फ गौमूत्र पीते हैं, भोजन नहीं करते हैं, वो इसी तरीके से जो है राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और देखने वालों का यहाँ पर हुजूम लगा है। मित्रों देखिए देसी टार्जन जो है ऐसे ही अयोध्या पहुंचेंगे, देखिए हुजूम लगा लोगों को, फूलों की वर्षा हो रही क्योंकि ये राम मंदिर दर्शन के लिए जा रहे हैं और देसी टार्जन इसी तरीके से अयोध्या राम मंदिर के लिए दर्शन के लिए जाएंगे। मित्रों टार्जन भाई स्वागत है अयोध्या धाम में, स्वागत है, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, राष्ट्र माता घोषित करो, देखो देखो कौन आया। और टार्जन इस वक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में पहुंच चुका है, ये 50,000 पुष्प मारते हुए भगवान श्री राम का दर्शन करेंगे और जैसे ही अयोध्या में पहुंचे मित्रों ये हरियाणा से, अयोध्या वासियों ने फूल बरसा कर इनका स्वागत किया है। ये कभी जो है बिच्छू की चाल चलते हैं तो कभी ये जो है सपाटे मारने लगते हैं और इनका संकल्प है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर में ये सपाटे मारते हुए पहुंचेंगे, ऐसे ही जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कितने सपाटा मारेंगे ये अलवर से लेकर के अयोध्या तक। और ये अभी ऑफिशियल जो है, हाँ, कुचेरा का टोल प्लाजा है रवि भाई, हाँ, यहाँ से जो है सुशील मिश्रा जी जो कि संयोजक हैं इस यात्रा के जी, उनके यहाँ से स्टार्ट हुई है। इसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी लता मंगेशकर चौक, जैसे ही प्रभु राम की पावन नगरी में दर्शन दाखिल होंगे, हाँ, हाँ, सपाटे मारते हुए दर्शन करने जाएंगे। हाँ, और दुनिया के ऐसे किसी बड़े मंच पे नहीं है कि जो इनको जानता ना हो, जहाँ गए ना हो। इतना हजार सपाटा मार कर ये राम मंदिर का दर्शन करेंगे, 50,000 सपाटे, 50,000 दंड बैठक मारेंगे, 50,000 सपाटे का लक्ष्य है। हाँ, लेकिन हम उसको सोच रहे हैं 51 कर देते हैं, बाकी जो है प्रभु राम और गौ माता की इच्छा है। थकेंगे नहीं, जैसे भंडारे में लिखा जाता है ना, हाँ, कि शुरू होने का समय 7 बजे और समाप्त होने का समय लिखा जाता है प्रभु इच्छा तक, तो उसी तरीके से देसी टार्जन के शुरू होने का जो लक्ष्य है 51,000 है और बाकी जो है गौ माता और प्रभु इच्छा तक है। यहाँ पर तमाम अयोध्या के लोग इनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, कोई फूल बरसा रहा है तो कोई इनको माला पहना रहा है और हरियाणा के इस लाल को यहाँ का स्वागत देखकर शायद से यह आश्चर्य हुआ होगा कि अयोध्या में इतना प्यार और दुलार हो रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुशील भाई ये क्या भोजन किया है सुबह? सुबह इन्होंने सिर्फ दूध पिया है और दूध और गाय का मूत्र पिया है, सिर्फ गौमूत्र में इतनी ताकत है। हाँ, गौमूत्र पीने के बाद ये सीधा स्टंट अपना शुरू कर दिए थे। फिर निकलते समय हमने कहा थोड़ा सा दूध ले लीजिए, हाँ, तो दूध लिए, बोले अब कुछ नहीं लूंगा, सीधा जो है हम लोग हनुमान राम जन्मभूमि के लिए अग्रसर होंगे। आपको लगता है कि ये अयोध्या पहुंच जाएंगे सपाटा मारते हुए विजय भाई? बिल्कुल सर, पहुंचेंगे ये। और हमने इनको सुबह से ही देख रहा हूँ मैं इनकी दिनचर्या में, ये सुबह उठ करके दैनिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद, हाँ, सबसे पहले इन्होंने गौ माता को प्रणाम किया, हाँ, और गौ माता को प्रणाम करके इन्होंने गाय के गौमूत्र का पान किया। सबसे पहली चीज जो मैंने देखा, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कि जल पानी पिया जाता है खाली पेट, वैसे आज ये हमारे बीच जब हम लोगों गौमूत्र का पान किया, गौमूत्र का पान करने के बाद इन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद पूरे स्नान करते समय पूरे गाय का गोबर का लेपन, वैसे तो डब साबुन कोई नहीं लगाता, डब साबुन लगाता है लोग और सारी चीजें, और यहाँ कोई लाइफ बॉय तो कोई लक्स तो कोई दुनिया, और ये पूरी बॉडी में अपने। कुछ लोग कहते हैं कि गौमूत्र में क्या ताकत है, तो देखिए इस टार्जन को। आज हमने हकीकत में देखा है कि गौमूत्र की ताकत टार्जन ने दिखाई है, गौमूत्र में कितनी शक्ति है। जी जी। जो गौमूत्र का सेवन कर करके खाली आधा लीटर गाय का दूध इन्होंने सेवन किया जो मैंने देखा, बाकी उनके गाड़ी में रखा हुआ बोतल में भर करके जी 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 पूरा खाली गौमूत्र का सेवन।